पाकिस्तानी नियाद हॉलीवुड अदाकार फरहान ताहिर ने इंकशाफ किया है कि वो हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए मुआवजे के तौर पर फिल्म के बजट में से हिस्सा मांगते हैं। फरहान ताहिर मुतअद्दिद हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो बॉलीवुड फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं, अगरचा वो ज़्यादातर मुआविन किरदार अदा करते दिखाई देते हैं, तहम इनके किरदार इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। हाल ही में फरहान ताहिर ने सैयद वसी शाह के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां इन्होंने शोबिस करियर समेत अपनी कमाई से मुतालिक भी खुलकर बात की। प्रोग्राम के दौरान फरहान ताहिर ने बताया, अगरचा इन्हें बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित पसंद है, लेकिन पाकिस्तान में कम रहने की वजह से इन्होंने इनकी ज़्यादातर फिल्में नहीं देखी। इसी तरह इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इन्होंने बाज़ ऐसी अदाकाराओं के साथ भी बतौर रोमानवी हीरो काम किया है, जो अदाकाराएं बाज़ फिल्मों में इनकी बहन बनी थी। प्रोग्राम के दौरान एक पाकिस्तानी खातून मदा ने फरहान ताहिर से सवाल किया कि अगर वो पाकिस्तान में हॉलीवुड फिल्म का उर्दू रीमेक्स बनाएंगे तो इनसे कितना मुआवजा लेंगे, जिस पर अदाकार ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इनके लिए मुफ्त में काम करेंगे। प्रोग्राम के दौरान मेज़बान ने जब इनसे हॉलीवुड फिल्मों में मुआवजे से मुतालिक सवाल किया तो इन्होंने बताया कि मुआवजे का इनासार फिल्म के बजट पर होता है, इनके मुताबिक वो फिल्मों में काम करने का मुआवजा नहीं लेते बल्कि फिल्मों के बजट से मुआवजे के तौर पर हिस्सा लेते हैं। फरहान ताहिर का कहना था कि वो बड़े बजट की फिल्म में बजट का 1 या 2% हिस्सा मुआवजे के तौर पर लेते हैं।